गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ रहे हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जिसमें कल तक हम लोगों ने 61 लगभग 61 शब्द युग्मों को पढ़ा और समझा। आगे कुल 22-23 और शब्द युग्मों को पढ़ेंगे हम और समझेंगे। तो हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। 62, आरत और आराध्य। इस शब्द युग्म के चार विकल्प दिए गए हैं। आरती और शत्रु, तो इसका पहला विकल्प सही होगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, इस तरह से हम कहते हैं, उस तरह से अर्थात आरती, और आराध्य होता है शत्रु, पहला विकल्प सही है। जलद और जलधि, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पानी के प्रयाची में जब द लगा देते हैं तो बादल हो जाता है और धी लगाने से समुद्र, तो यहाँ बादल और समुद्र, यहाँ पहला दिया कमल और समुद्र, ये गलत है, ये होगा खा विकल्प, बादल और समुद्र। पयोद और पयोध, यहाँ पर भी पयोध माने होता है बादल और पयोध माने समुद्र, दूसरा विकल्प सही है। प्रथा और प्रथा, प्रथा माने होता है रीति रिवाज, और प्रथा जो है कुंती का दूसरा नाम है, राजा पृथु की पुत्री होने के नाते उनका नाम प्रथा भी एक नाम था, इसलिए घा विकल्प सही है। अवलंब अविलंब, अवलंब माने होता है कि सहारा, देखिए दोनों दिया गया है, शीघ्र और सहारा, अर्थात उल्टा भी अगर आपने जरा सा भी गलती की तो विकल्प गलत हो जाएगा। का और गा में आप देखिए अंतर यही है कि एक का शीघ्र और सहारा दिया है, यहाँ सहारा और शीघ्र, अर्थात सही शब्द का आप जब तक अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तभी आप जब समझ लेंगे तभी जाकर के आप सही प्रश्न पर टिक कर पाएंगे, सही विकल्प को चुन पाएंगे। यहाँ अवलंब अवलंब माने सहारा, अविलंब माने दे कहते हैं शीघ्र, बिना देर किए हुए, तो ये होगा गा विकल्प सही। पाचन और पाचक, पाचन माने पकाने की क्रिया और पाचक माने पचाने वाला, पकाने वाला, अर्थात रसोईया, का विकल्प सही होगा। इसके बाद पाक और पाग, पाक माने होता है पवित्र और पाग माने पगड़ी, तो ये घा विकल्प सही है। पाथोज और पाथोज, तो पाथोज हो गया कमल और पाथोज हो गया बादल, तो इसका खा विकल्प सही है। आभरण और आमरण, आभरण माने होता आभूषण, आभरण माने आमरण अनशन जैसे कहते हैं, तो आमरण माने होता मृत्यु पर्यंत तक, मरते दम तक, तो ये हो गया खा विकल्प सही। हिमांब और हिमांश, हिम माने होता है शीतल, अम माने जल, शीतल जल, और हिमांश माने शीतल है किरणें जिसकी, अर्थात चंद्रमा, तो गा विकल्प सही होगा, शीतल जल और चंद्रमा। कृष और कृषि, कृष माने होता है दुबला पतला कमजोर, कृषकाय माने दुबले पतले शरीर वाला, और कृषि आप लोग जानते हैं खेती, तो दुबला पतला अर्थात दुबला और खेती, घा विकल्प सही है। देखिए गा में थोड़ा अंतर दिया, दुबला और खेत दिया, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखना है, सही विकल्प चुना है दुबला और खेती। अगला है असक्त और आसक्त, असक्त माने होता है जो शक्तिहीन हो, जिसके पास शक्ति न हो, आसक्त माने होता है किसी पर, जैसे मारीच जो उस कन्या पर मोहित हो गया, अर्थात कोई व्यक्ति किसी पर जो आसक्त होना, उस पर आसक्त था अर्थात उस पर मोहित होना, तो यहाँ है आसक्त माने मोहित, तो हो जाएगा का विकल्प सही। सर और सर, सर माने होता है बाण, और दूसरा सर माने सरोवर तालाब, तो खा विकल्प सही है। अगला है स्वपक्ष और स्वपक्ष, तो चांडाल और स्वयंपाकी, अर्थात स्वपक्ष माने होता है, पहले स्वपक्ष का मतलब चांडाल दुष्ट, स्वपक्ष माने जो अपने आप पकाता हो, स्वयंपाकी। आतप और आपात, आतप माने होता है धूप और आपात माने संकट, तो इसका आ विकल्प सही है। निर्माण और निर्माण, निर्माण माने मोक्ष और निर्माण माने रचना करना, गा सही है।
दुर्लभ और अप्राप्त। दुर्लभ माने जो बड़ा कठिनाई से मिले, अप्राप्त माने जो बिल्कुल न मिले, अर्थात इसका का विकल्प सही है। उश्रृंखल और उद्दंड। उश्रृंखल माने जो नियमबद्ध ना हो, और जो श्रृंखला में आए अर्थात नियमों में बंधा ना हो, और जो दंड से न डरता हो, गा विकल्प सही है। निद्रा तंद्रा। निद्रा माने नींद, तंद्रा माने होता आलस, तो नींद और आलस खा विकल्प सही है। सुगंध सौगंध। सुगंध माने आप जानते हैं महक, और सौगंध माने कसम खाना, तो गा विकल्प सही है। क्षति और छित। क्षति माने होता है का क्षति लाभ जीन धन तोरे। क्षति माने होता है कितनी क्षति हुई, अर्थात ये होता है हानि। और छित माने होता है पृथ्वी। छित देख पाप गगन समीरा, तो यहाँ छित माने होता है पृथ्वी, तो घा विकल्प सही है। आपात और आपात। आपात माने होता है संकट, और आपात माने पैर तक, तो पैरों तक पात आपात।